वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जी स्टाइल कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट है ये। दिस इज़ लोटस हर्बल एप्रिकॉट स्क्रब। ये है लोटस हर्बल का एप्री स्क्रब, लाइक एप्रिकॉट स्क्रब है ये, फ्रेश एप्रिकॉट स्क्रब ये इसमें लिखा हुआ है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, बहुत ही लाइट सा येलो क्रीमिश कलर की पैकेजिंग है इस तरीके की। एंड ये जो है ये क्रीम कलर का है, एंड इसका जो कैप है ये है फ्लिप क्लोज पैक। सो ये अच्छे से बंद हो जाता है, अच्छे से सिक्योर हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ कि ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे इजीली कहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कैप है, एंड इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो लीक होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो इसके पढ़ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में लिखा क्या है। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, जो कि इसमें लिखा हुआ है 1 मिनट स्क्रब, एज़ इसमें मेंशन है कि आप इसे 1 मिनट के लिए स्क्रब कीजिए। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो ये है 135 रुपीज़ का, एंड इसमें मिलता है आपको 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। इसके और भी वेरिएशंस आते हैं, लाइक एक 60 ग्राम का आता है, एक 100 ग्राम का है, एंड एक 300 ग्राम का आता है। तो प्राइस जो है वो वेरी करते हैं। ये 100 ग्राम्स का है जिसका प्राइस है 135 रुपीज़। ओके, सो अब मैं बात करूँ इसकी अवेलेबिलिटी की, तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरफ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है, एंड ऑफलाइन भी आप अपने नियर बाय केमिस्ट शॉप, कॉस्मेटिक शॉप कहीं से भी इसे बाय कर सकते हैं, ये इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं इसमें पढ़ती हूँ कि इसके बैक साइड में क्या क्या मेंशन है, एंड इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह किस तरीके से हैं। एज़ योर हेयर एंड नेल्स ग्रो, योर स्किन ऑल्सो ग्रोज। अपर स्किन सेल्स बिकम डेड एंड न्यू सेल्स आर डेवलप्ड अंडरनीथ। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दीज डेड सेल्स टू रिवील द यंगर रेडिएंट स्किन फ्रॉम अंडरनीथ। लोटस हर्बल एप्री स्क्रब इज़ द परफेक्ट स्क्रब टू स्क्रब अवे दीज डेड सेल्स जेंटली विदाउट रप्चरिंग योर स्किन। अ यंग रेडिएंट स्किन इज वॉट यू गेट आफ्टर यूजिंग दिस स्क्रब। तो एज़ आपने सुन ही लिया है कि इसको यूज़ करने के बाद आपको जो आपकी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, जो कि एक स्क्रब का काम होता ही है, आपके फेस से डेड स्किन को निकालना, साथ ही ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करना, एंड नई आपके सेल्स को, ये अगर डेड स्किन हट जाएगी, डेड सेल्स हट जाएंगे तो न्यू सेल्स निकलेंगे नीचे से, अंडरनीथ योर स्किन डेवलपमेंट होगा न्यू सेल्स का, न्यू स्किन का। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, बाकी इसमें डायरेक्शन दे रखा है कि मॉइस्चर फेस एंड नेक, अप्लाई लोटस हर्बल एप्री स्क्रब इन डॉट्स ऑल ओवर एंड रब विद वेट फिंगर्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मसाजिंग जेंटली, रिंस वेल एंड पैट ड्राई, अप्लाई अल्फा मॉइस्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर और सेफ सन ब्लॉक बिफोर स्टेपिंग आउट। एंड लास्ट इसमें लिखे हुए हैं इन्ग्रीडियंट्स। एंड यू नो वॉट, वैसे लोटस हर्बल ब्रांड है, बट दिस इज़ नॉट टोटली हर्बल प्रोडक्ट। ये हर्बल या पूरा नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। इसमें सल्फेट भी मैं पढ़ रही हूँ, सोडियम लोराइल सल्फेट एंड मिथाइल पैराबिन, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, बट दिस इज़ नॉट टोटली पैराबिन फ्री। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं जिसमें पैराबिन होता है, तो दिस इज़ सीरियसली नॉट मेंट फॉर यू। ये आपके लिए बना ही नहीं है, आप इसे यूज़ मत कीजिए। बट जिन लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर उनके प्रोडक्ट में पैराबिन या सल्फेट वगैरह हो, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इन्होंने लोटस हर्बल नाम रखा क्यों है, आई डोंट नो। तो एज़ सभी को पता है कि स्क्रब का मेनली क्या काम होता है और स्क्रब को यूज़ कैसे करना होता है, तो मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके नहीं दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। 1 मिनट के लिए इसमें लिखा हुआ है, आप इसे अपने फेस पर, वेट फेस पर अप्लाई कीजिए। पहले आप अपना फेस क्लीन कीजिए फेस वॉश करके, देन आप अपने क्लीन फेस पर इसे 1 मिनट तक वेट फेस पर मसाज कीजिए, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज यूज़ कीजिए। बट यू डोंट हैव टू बी वेरी हार्श, आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ही लाइट हैंड से स्क्रब करना होता है। स्क्रब करने से आपकी सिर्फ डेड स्किन हटेगी, बाकी आपकी न्यू स्किन को
के लिए हेल्प होगा जो कि अंडरनीथ आपको मिलेगी। ओके सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरीके का दिखता है। ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, बहुत ही लाइट सा ब्राउनिश काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है और ये ऐसा है, क्रीमी है, बहुत क्रीमी है, ये बहुत ही क्रीमी है। आप इसे अप्लाई करेंगे तो दिस इज़ रियली क्रीमी टेक्सचर है इसका। ओके एंड आपको इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करना है इस तरीके से। इस तरीके से आप इसे अच्छे से यूज़ कीजिए 1 मिनट के लिए और ये आपकी स्किन को स्मूथ बना देगा। सो ये ऐसा है कुछ। आपको इसके जो ग्रैनुल्स हैं वो दिख रहे होंगे। सो अब मैंने आपको बता दिया कि ये कैसा है, पैकेजिंग कैसा है, इस पर क्या क्या मेंशन है। अब मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ये स्क्रब में जो ग्रैनुल्स हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मे बी ये मेरी चॉइस है कि मुझे अच्छे नहीं लगते बिकॉज़ इसके ग्रैनुल्स जो हैं वो बहुत ही मोटे हैं, थिक ग्रैनुल्स हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं आपके फेस के लिए। मैंने इसे एक या दो बार ही यूज़ करा है अपने फेस पर, बाकी सीरियसली अगर मैं कहूँ तो मैं इसे अपने फेस पर नहीं यूज़ करती हूँ। मैं इसे अपनी बॉडी पर फिर भी यूज़ कर लेती हूँ, बॉडी के लिए चलिए ठीक है, लाइक आपकी एल्बोज़ और आपके नीज़ वगैरह को स्क्रब करने के लिए फिर भी ठीक है, बट ये आपके इसके लिए आई डोंट नो, इसके ग्रैनुल्स बहुत मोटे मोटे हैं, ऐसा लगता है कि फेस जो है वो स्क्रैच हो रहा है। तो इसको मैं फेस पर अप्लाई नहीं करती हूँ, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको फेस पर यूज़ करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या इतना मोटे ग्रैनुल्स होने के बाद फिर ये आपके स्किन को, आपके फेस को, लैकेट्स वाइटेड्स को रिमूव तो कर देता है, लेकिन इतने मोटे ग्रैनुल्स हमें वैसे भी यूज़ नहीं करने चाहिए अपने फेस पर, बहुत ही पतले भी नहीं, बट ये होता है कि बैलेंस अगर ग्रैनुल्स हो, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, तो बैलेंस होता है तो वो आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने के साथ साथ आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुँचाता है, स्क्रैच नहीं करता है, आपके रैशेज नहीं होते हैं। इससे रैशेज होने का भी डर है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और बाकी इसकी स्मेल जो है वो हर्बली काइंड ऑफ अ स्मेल है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मतलब मीडियम टू हाई के बीच में, मतलब एवरेज से हाई के बीच में मीडियम स्मेल है, बट ठीक है वो फेड अवे हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक आपके फेस में नहीं रहती, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्मेल जो है वो है और हर्बली सी स्मेल है, ज़्यादा वैसी स्मेल नहीं है। अगर मैं बात करूँ मैं इसे रीपरचेज करूँगी या नहीं, तो फिर नहीं, मैं इसे रीपरचेज नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ये अपने फेस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और बॉडी के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास और स्क्रब भी हैं जो कि मैं अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं इसे दोबारा रीपरचेज नहीं करने वाली हूँ। बाकी अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से फेस के लिए तो इसे बिल्कुल मत लीजिएगा, दैट्स टोटली माय ओपिनियन, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको इसे ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो जो कि था लोटस हर्बल एप्री स्क्रब फ्रेश एप्रिकॉट स्क्रब के ऊपर, विच इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का रिव्यू, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि ये किस तरीके का स्क्रब है। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।